नमस्कार दोस्तों, आर्मी की ये वैकेंसी जिसके बारे में काफी सारे कमेंट्स भी आए कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो, उसमें काफी सारी पोस्ट हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन हो गया, स्टेनो हो गया, ग्रेड टू, LDC, फायरमैन, मैसेंजर, बार्बर, वॉशरमैन, रेंज, ये सब तो आपको पता है ना। ये इनकी पोस्ट भी आपको दिख रही है, आपको ये भी मालूम है कि स्टेनो और LDC 12th लेवल पे है। बाकी फायरमैन से लेकर के, ये जो दिख रहा है ना आपको, फायरमैन से लेकर के, अगर मैं ये पेन ले लूँ आपके लिए, फायरमैन से ये सब के लिए आपको दिख रहा है, ये सिर्फ 10वीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये दिक्कत नहीं आपकी, आपकी दिक्कत जानते क्या है, इसमें नीचे लिखो सर फॉर्म भेजना कैसे। तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म भेजोगे, कैसे आपका ऑफलाइन फॉर्म तैयार होगा, कैसे उसका फॉर्मेट होगा, कहाँ पर क्या लिखना है। सर स्टाम्प इन्होंने 25 रुपए का, देखो बोला ना 25 रुपए का स्टैम्प, ये देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो 25 रुपए का स्टैम्प बोला है सर। इन्होंने बोले 8-8 फोटोग्राफ, सर इनका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर 4 फोटोग्राफ इन्होंने बोले हैं। सर ये पूरा फॉर्म भेजते कैसे, सर एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं, यहां से शुरू होता है, ये देखो ये पूरा शुरू हो गया सर। तो कहां पर एड्रेस लिखना है, कैसे क्या करना, बहुत डाउट है सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी पे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको कैसे करना होता है दोस्तों स्पीड पोस्ट, है ना। तो चलिए सुन लेंगे ध्यान से, मैं नीचे यहां पर बताता हूं। देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, मैं जो बोलूंगा आप वही करोगे, ठीक है। आप एक काम करना, आप जाना मार्केट, ठीक है, समझ लो। मान लो जिनको नहीं लिखना है, मैं दो रास्ते बताऊंगा, उसमें से नंबर वन ये रहा, ठीक है। दोनों में मार्केट तो जाना पड़ेगा, आप मार्केट जाना और उससे बोलना कि भैया मेरे को ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, ठीक है। तो आप उससे बोलना कि मुझे ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, तो आप मुझे एनवेलप दे दो। अब वो एनवेलप कैसा होगा मैं बताता हूँ। देखो एक एनवेलप ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर लिखा रहता है पहले कि द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा खाली स्थान होता है। और ये जो कलर मिलेगा ना आपका एनवेलप का, जब आप मार्केट में यानी दुकान पे जाओगे, तो वो ब्राउन कलर का होगा दोस्तों, ठीक है, ब्राउन कलर का होगा। अब सुन लो पूरा, और यहाँ पर टू करके लिखा होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस सब कुछ, इसमें सब कुछ आ जाएगा, समझ गए। एड्रेस हो गया, आपकी तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, है ना, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा भैया फ्रॉम, है ना, सॉरी ये है फ्रॉम, क्योंकि आप भेज रहे हो ना, फ्रॉम इधर रहेगा और टू इधर रहेगा, तो ऐसा एक बीच में डंडी रहेगी। और इसमें रहेगा कहाँ भेज रहे हो आप, जैसे कि एयरफोर्स में भेज रहा हूँ मैं, एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड, क्योंकि उसी की पोस्ट है ये, वेस्टर्न कमांड की पोस्ट है ना। और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया भैया कि वॉशरमैन बनना है आपको, तो आपने यहाँ पे वॉशरमैन लिख दिया। आपको क्लर्क बनना है, जो पोस्ट खाली है उसकी बात करें, स्टेनो बनना है, स्टेनो लिख दिया यहाँ पर, समझ गए। इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो एक तो फॉर्म सीधा आता है जिसमें पहले से ही सब लिखा रहता है, यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ खाली स्थान होगा, यहाँ पर टू करके लिखा होगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे वो कि स्टेट, कॉलोनी, पिन कोड, है ना, सब कुछ। और यहाँ कैपिटल लेटर में पूरा लिख देना, ताकि जो आपका डाकिया है उसको सब कुछ समझ में आए, ताकि वो एग्जैक्टली पहुंचा दो। पिन कोड दोस्तों भूलना नहीं, एड्रेस बिल्कुल बराबर लिखना, जो हमारे इसमें फॉर्म में दिया है ना वही एड्रेस लिखना है आपको, और फॉर्म में अपना एड्रेस बहुत सही लिखना, ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो बात होगी कि सर अगर हम परचेज करके लाए तो ऐसा लिखा मिलेगा दोस्तों, ऐसा फ्रॉम और टू, ये और बीच में डंडी होगी, देखना ब्राउन कलर का दिखेगा आप जाओगे वहां पर। अब इसके साथ एक और छोटा सा एनवेलप होगा, ध्यान देना उसमें, छोटा सा एनवेलप होगा। अब ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है और ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है, तो उसमें परेशान मत होना, ठीक है दोस्तों। आप ये ध्यान से सुन लो, ये जो छोटा एनवेलप है यही सबसे काम की चीज है दोस्तों, यही है आपका एडमिट कार्ड लेकर के आने वाला फॉर्म, समझ गए आप। आप ये सोचते हो ना सर ऑफलाइन फॉर्म भरते तो एडमिट कार्ड किस में आता है, एडमिट कार्ड इसी में आएगा, इसी छोटे से एनवेलप में एडमिट कार्ड आएगा, समझ गए। और ये कहाँ होगा सर, ये इसी के साथ आपको खरीदना है और इसी के अंदर भेजना भी है, समझ गया ना। देखो ध्यान सुनो मैं क्या बताता हूँ, क्या क्या हो जाएगा इसमें। देखो इस फॉर्म के अंदर ये जाएगा, एक तो ये एनवलप, यही वाला एनवलप है आपका, ठीक है, ये एनवलप है सर। इस एनवलप पे क्या करना है, वो जो स्टाम्प है ना 25 रुपए का स्टाम्प जो आपको लगना है, वो ऐसा दोस्तों दिखेगा, देखो ऐसा स्टाम्प दिखेगा, उसमें 25 रुपए लिखा रहता है, बस, समझ गया ना। स्टाम्प अब वो 10 रुपए का भी, ऐसा 10 रुपए का बोलते 10 रुपए का लेते, तो आपको ये सब मिल जाएगा, दुकान पे ही मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। यही होता है 25 रुपए का एक स्टाम्प आएगा, इसमें गांधी जी बने हो सकते हैं, कोई भी बड़े महारथी बने हो सकते हैं, छोटा सा स्टाम्प होता है। इसको कभी भी इस वाले पर नहीं लगाना है, समझ गए, इसको हमेशा अंदर वाले इस एनवेलप पे लगाना जो आप भेजोगे, यहाँ बीच में से लगा देना, समझ गए इस बात को। अब सर इसमें और क्या लिखना है, इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है पूरा, अपना पहले नाम लिख दे देना, ऐसा नाम, ठीक है, फिर लिख देना सन ऑफ, है ना, सन ऑफ किसके भाई, अपने पापा का नाम ऐसा पूरा लिख दिया, लड़कियां हैं तो पापा का नाम लिख दिया, अगर शादी होगी तो पति का नाम लिख दिया, ठीक है, ये सारे। अब मालूम है इस फॉर्म में मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, तो देख लो ध्यान सुन लो, अंदर वाले एनवेलप की बात कर रहा हूँ, इसमें फॉर्म टू कुछ मत लिखना, इसमें सीधे अपना नाम लिखा, इसमें अपना सन ऑफ बता दिया, आपका एड्रेस बता दिया, करस्पॉन्डेंस जहां पर आप रहते हैं वो बता दिया, जहां पर आपको चाहिए एडमिट कार्ड आपके पास आ जाए, ठीक है, वही वाला एड्रेस लिखना, क्लियर हो गई बात, वो लिख दिया, यहाँ पर अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब बता दिया, यहाँ पर धीरे से पिन कोड बता दिया, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है, और थोड़ी सी जगह बचा करके यहाँ पर मेल आईडी भी लिख देना, समझ गए दोस्तों, ये अंदर वाले में करना है, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी छेड़ना, इतना लिख दिया आपने, बात खत्म हो गई,
समझ गए, और ₹25 का स्टाम्प चिपका दिया, ये हो गया अंदर वाले काम। इस एनवलप के अंदर कुछ भी मत डालना, ये छोटा सा एक एनवलप है, मतलब एक आएगा एनवलप जो इसके अंदर हमें डाल करके भेजना होता है, समझ गया मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एनवलप के अंदर कुछ भी मत डालना, ये खाली जाएगा, इसमें आपका एडमिट कार्ड वो लोग भेजेंगे, ये एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने मंगाया होता है हमसे, इसीलिए वो क्यों ऐसा क्यों करते हैं सर, ताकि आप अपने से खुद का अपना एड्रेस लिखो। दोस्तों पूरा वीडियो ढंग से सुन लो, वरना गलती हो गई ना तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं, फिर मेरे पास कमेंट मत करना सर मेरा आया नहीं, तो इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे समझ लो इस चीज को, ठीक है। आप समझ गए, ये वाली चीज डायरेक्ट मिलेगा, खरीदने पर डायरेक्ट ये सब लिखा मिलता है, इसके साथ एक और एनवेलप मिलता है, इस एनवेलप पर ये आपको खुद लिखना है, इसमें लिखा नहीं होगा, ये खुद लिखना है। और जो ₹25 का स्टाम्प बोला है किसमें लगाओगे, ये वाले पर नहीं लगाओगे, है ना, बाहर वाले में नहीं लगाना, ये अंदर वाले में लगाना, ये हमारे एडमिट कार्ड के लिए, इसमें हमारा एडमिट कार्ड वो लोग डालेंगे, और यही देखना लिफाफा आपके पास वापस आएगा, इसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, समझ गए। तो इस लिफाफे को भी इसके अंदर डालना है, अब देखो ध्यान से, तो इसके अंदर बड़े लिफाफे के अंदर क्या क्या डालना है एनवेलप के अंदर, तो इसके अंदर हमको एक तो हमारा ये एनवेलप चला गया, एनवेलप चला गया जो कि हमने एडमिट कार्ड के लिए उनको भेजा हुआ है अपना एड्रेस लिख करके, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो, मैंने आपको कहा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने अंदर वाले एनवेलप पे लिखना है, लेकिन कभी भी बाहर वाले एनवेलप पे मत लिखना, कभी मत लिखना इसमें मोबाइल नंबर और ये सब कुछ नहीं लिखना, इसमें सिर्फ पिन कोड तक आएगी बात और खत्म हो जाएगी, ठीक है, और इनके भी यहाँ पे पिन कोड तक बात आएगी खत्म हो जाएगी, समझ गए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिर्फ अंदर वाले एनवेलप पे जो आप इसके अंदर भेजोगे, ठीक है दोस्तों। तो सर नंबर एक हो गया एनवेलप, दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी तो भर रहे हो, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना, उसको भेजना है आपको इसमें, ठीक है। तो कैसे रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म रखा, इसके पीछे आपने एनवेलप को रख दिया, ठीक है, ये सब रख दिया आपने। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, इसी एनवेलप के अंदर आपको चार दो क्या कहते हैं, दो पासपोर्ट साइज फोटो भेज देनी है, ठीक है, दो तो लग जाएंगी, दो कहाँ कहाँ लगेंगी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, देखो एक आपकी एक आपकी लग जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जैसे फोटो लगाया ना और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में साइन कर दिया, तो मुंह पर साइन नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनो, यहाँ से शुरू होगा फॉर्म, जैसे फोटो चिपका दो और यहाँ से फॉर्म शुरू करो और छाती तक आ जाए आपके, ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड मैंने साइन हो गया, क्रॉस साइन हो जाता है ऐसा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में ना नीचे की तरफ ही आपको एक जगह एक्नॉलेजमेंट लिखा मिलेगा, समझ जाओ दोस्तों, ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, यहाँ पर भी एक फोटो लगानी है, ठीक है, और उसमें भी लगा करके सेल्फ अटेस्टेड ऐसे ही करना है, और अपना एड्रेस लिख देना है, अपना नाम वाम जो भी उसमें बोला गया सब मैं दिखाऊंगा पूरा कुछ, ठीक है, उसमें भी लिखना, और यहाँ पे अपनी फोटो लगानी, तो देखो दो फोटो तो लग गई, है ना, ये तो पूरा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही चला गया। आप ध्यान सुनिए, ये इतना ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये जो नीचे आपने फोटो लगाई ना, यही आपका एडमिट कार्ड है, और इसी को ये आपके इस वाले एनवेलप में भर के भेज देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए, है ना, आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो दोस्तों ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये दिख रहा है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका हुआ है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये देखो यहाँ पर भी फोटो लगानी है, और इसमें देखो नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पापा का नाम लग गया, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो, और ये अपना एड्रेस भर दिया, बहुत अच्छे से एड्रेस भरना है, देखो मोबाइल नंबर ही मांगा ऐसे ही में, ठीक है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर टेस्ट और वेन्यू फॉर टेस्ट, ये सब ये लोग लिख करके देंगे आपको, नहीं दिख रहा ना, ये दिख रहा है, तो ये आप ना दोगे भर के, ये तो आपका खाली रहेगा, तो यही तो एडमिट कार्ड है, जिसमें बस इनको क्या करना है, आपको रिपोर्ट टाइम लिख देंगे, आपका वेन्यू लिख देंगे और आपको भेज देंगे, और कौन से एनवेलप पे भेजेंगे, वही दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया, और ये देखो ये फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी छेड़ मत देना, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये कौन भरेगा भैया, आपने एप्लीकेशन भेज दिया है ना, तो वो लोग इसमें डेट डालेंगे कि हमें मिला इस दिन। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्ट लिख देंगे, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट लिख देंगे, फिर आपको ये फॉर्म नहीं मिलने वाला है ना, एक्सेप्ट हुआ तो ही आपको इसका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। रीजन फॉर रिजेक्शन अंडर, अब देखो रीजन भी है यहाँ पर, देखो ये पूरा ऑफिस यूज होता है दोस्तों, इनकम्प्लीट था कि फोटो सही नहीं थी कि डॉक्यूमेंट जो बोले गए थे वो भेजे नहीं भेजे इन्होंने, इसकी वजह से कुछ भी रीजन लिख देंगे यहाँ पे कर देंगे, तो इनको कोई वजह मत देना, ठीक है। इंडेक्स नंबर और डेट ऑफ टेस्ट कब है वो पूरा लिख करके, ये पूरा आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों, सोचो जरा आपका एडमिट कार्ड आपके सामने ही है ना, लेकिन ये सही जगह तरीके से गया तभी आपके पास सही पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो तो ये तो हो गया एक्नॉलेजमेंट, इसी और ये एप्लीकेशन में ही फॉर्म में जुड़ा हुआ है। अब इसी के ऊपर देखो जरा एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लो, यहाँ पे ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, देख रहा है, यहाँ पर भी फोटो लगानी, तो दो फोटो तो आपके एक एप्लीकेशन फॉर्म में लग गई, और देखो ऐसे साइन करना, जैसे मेरा ये साइन हो गया, ये समझ गया, मुंह पर नहीं आना चाहिए बस, ऐसे नीचे वाले में भी करना है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में देखो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, देखो दिख रहा है, पोस्ट अप्लाइड फॉर LDC लिख दिया मैंने, जैसे कि मैं LDC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अपना नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, पापा का नाम लिख दिया मैंने, मदर का नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दी भाई, अच्छे से डेट अच्छे से लिखना दोस्तों, गलती मत करना, जेंडर लिख देना, एज एज ऑन लास्ट डेट, आपकी एज क्या होती है, अब देखो एज कहाँ से मापना है आपको, लास्ट डेट ऑफ, है ना, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी लास्ट डेट कितनी है, वो 21 दिन है ना, जब से ये एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई है, तो देखो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो आई है ये 14 से 20 तक की, समझ गए, इसका मतलब समझ जाओ कि आप इससे जोड़ लो, आप 14 से भी 20 दिन जोड़ोगे आगे चले जाओगे, तो भी जून तक तो जा ही रहे हो आप,
किसी भी हालत में जून तक तो जा ही रहे हैं, मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और दोस्तों याद रखो, स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट में ऐसा है कि 40-50-60 रुपए लग जाते हैं, पर ये कि श्योर रहता है कि पहुंच जाता है, ठीक है? तो स्पीड पोस्ट ही करना है, ये बहुत ध्यान से सुन लो आप मेरी बात, ठीक है? अभी मैं बात करूंगा, देखो सर्टिफिकेट में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा वीडियो नहीं सुना ना, दिक्कत हो जाएगी, बहुत गंदी दिक्कत हो जाएगी। और मैं चाहता नहीं कि तुम मेरा वीडियो सुन करके दिक्कत में पड़ो, इसलिए मैं एक एक बात बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, अपना यहाँ पर सब कुछ लिख दिया आपने पूरा अपना। देखो अब ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कहाँ अभी रह रहे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पर आपका सब कुछ आ जाए। और एक होता है आपका परमानेंट, जैसे गाँव में आप रहते हो तो वो परमानेंट हो गया, शहर में कहीं रह रहे हो हॉस्टल लेकर, रूम लेकर, रेंट लेकर के, या नौकरी करने यहाँ आए, वो किसी की जगह रह रहे हो तो वो करस्पॉन्डेंस हो गए। तो आपको एडमिट कार्ड आपके गाँव में चाहिए कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ चाहिए? तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ध्यान से समझ गया ना। और जरा नीचे देखना, जरा ये एडमिट कार्ड में आपसे कौन सा एड्रेस मांगा गया है, देखो जरा ध्यान से देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस मांगा गया है। इसका मतलब इन्हें पता है कि परमानेंट आपका गांव भी हो सकता है, तो हमें गांव थोड़ी ना एडमिट कार्ड भेजना, जहां बच्चा रहता है वहां भेजना है। तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अपना बहुत सही रखना है ना दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से करना मेरे भाइयों, गलती मत करना। अब देखो यहाँ पर अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग लिया पूरा अगले में, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता देना है कि भाई कौन से स्कूल से क्या है सब कुछ, ये अच्छा खासा गैप रहेगा। और दोस्तों सुनो, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको शॉप पर जाना है, शॉप पर जाना है, 10 रुपए का फॉर्म मिलता है, ये 10 रुपए का फॉर्म खरीद लेना, अच्छे से भरना, बड़ा वाला, इसका प्रिंट बंद निकालने की कोशिश करना यहाँ से, ये बहुत गंदा हो जाएगा। आप सीधे शॉप पर जाना, उनसे सीधे बोलना भैया इंडियन आर्मी का आया हुआ है ना, इंडियन सॉरी मिनिस्ट्री, ऐसा ये देखो ये जैसा दिख रहा है ना, ये ऐसा ही सेम लिखा होगा उसके ऊपर। आप जाना, वहाँ लटकी रहती है ना उनकी तख्तियाँ, ऐसे लटकी रहती है, उसमें लिखा होगा। नहीं होगा तो सीधे जाके बोलते ना भैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आया है अभी अभी इंडियन आर्मी का, वो मुझे बता दो फॉर्म, वहाँ लटके हैं, आप खुद भी देख लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है? समझ गए, चलिए परेशान मत होइए। तो ये आपको शॉप से खरीद लेते, 10 रुपए का फॉर्म आएगा वहां से। अब देखो जरा यहाँ पे, जैसे ही आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज और ये सब अपने भरे, अब नोट पढ़ो क्या लिखा है, अटैच इसमें लगाइए। मतलब क्या है कि एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन आपने भरा और इसको फिर आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है? आपने फोल्ड कर दिया ये, ठीक है? अब इसी के साथ और क्या लगाना है, अब इसके साथ आपको लगाना है, ये देखो दिख रहा है ना, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या इसका मतलब होता है, जैसे कि 10th अगर की है तो वो, 12th अगर की है तो वो, अगर ग्रेजुएशन किया जैसे कि बीए किया है तो बीए की मार्कशीट्स लगा दी, बीएससी किया है तो वो लगा दी। अब हमारे में जो रिक्वायरमेंट है ना, जो एजुकेशन यहाँ मांगी गई है किसी भी पोस्ट के लिए, भाई जैसे 12th मांगा गया कुछ के लिए, कुछ के लिए 12th मांगा है, कुछ के लिए बीए बीएससी मांगा गया है, ठीक है? तो उस हिसाब से अपने को सारे डॉक्यूमेंट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट मत भूलना भैया, अगर कोई एक्स सर्विसमैन भर रहा है तो एक्स सर्विसमैन अपनी ज्वाइनिंग और जो चीज़ें होती है ना वो सारी से भर के भेज देना। अगर आप कहीं पर पहले से सरकारी नौकरी में हो तो आपको मालूम है कि आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, देखो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, एनओसी लगता है, तो आपको वो भर के भेजना है इस पर। समझ गया दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत करना। 50 रुपये का स्टैम्प कहाँ लगाओगे? बाहर वाले एनवेलप में नहीं, अपने अंदर वाले एनवेलप पे, क्योंकि अंदर वाले एनवेलप पे ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। उसमें सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है अपना, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना है, लेकिन बाहर वाले में आपको सब कुछ नहीं करना। समझा दिया था मैंने अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? अगर समझ में आया ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर समझ में आ गया, आपने मदद की, बात पल्ले पड़ गई, ठीक है दोस्तों? मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चिंता मत करो, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर, अब देखो अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये इसमें इसमें इसमें, ठीक है? अब जनरल के हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाकी किसी में भी आते हो, अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगा के देना है। अब इफ अप्लाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेट ऑफ एनरोलमेंट इन आर्मी नेवी, कब भैया इनमें किसी में ज्वाइन हुए थे, अब कब आपने रिटायरमेंट ले ली थी, तो आपको ये सब बताना है इसमें, समझ गए ना? तो इसके अब देखो, जब ये आप बोल रहे हो तो आपको मालूम है कि इसका क्या लगता है, इसका सबका लगता है क्या, कागज लगेंगे? तो कागज भैया पहले से तैयार रखो। और देखो दोस्तों, जितनी भी फोटोकॉपी आप लगाओगे, जितनी भी फोटोकॉपी लगाओगे, अभी बताऊंगा कौन कौन सी फोटोकॉपी लगेंगी, सारी की सारी में ना नीचे यहाँ पे साइन कर देना अपने, है ना? इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, सारी फोटोकॉपी में अपने साइन करने हैं, समझ गए? ओरिजिनल को जी मत भेज देना, ठीक है? चलिए, और ये देखो टोटल सर्विस अपनी ईयर, और ये देखो अब लिखा ना अटैच कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, भैया एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हो गया। अब देखो अगला है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किसी के साथ अगर रजिस्टर्ड हो तो यस नहीं हो तो नहीं, ठीक है? इफ यस मेंशन किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सब यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? लगे तो उसकी फोटोकॉपी भी अटैच कर देना। वेदर एम्प्लॉयड इन सेंटर, अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो यस करिए, और नहीं है तो नहीं करिए। अगर यस है तो फिर आपको ये सब भरना पड़ेगा, कौन है आपका एम्प्लॉयर वो बताओ, ऑफिस डिटेल दो, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे हो, कब अपॉइंटमेंट हुई थी, अपना मोबाइल नंबर दे दो, ये दे दो। और ये डिक्लेरेशन है जिसमें आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं अपने, बात खत्म हो जाएगी, है ना? और यहाँ पर एक फोटो लगा देना, और आपको मालूम है ना ये आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है? ये आपको भर के वापस उसी लिफाफे में भेजेंगे अपने, समझ गए दोस्तों? तो इतना कुछ था इसमें समझाने के लिए, और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। तो देखो आपने एक एनवेलप इसमें डाल दिया, एक आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया, और बहुत अच्छे से डालना फोल्ड करके इसको, ठीक है? और याद रखना 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगनी है, तो 2 तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एक लग गई, एक आपके यहाँ एक्नॉलेजमेंट में लग गई, और 2 आपको इसी के साथ लिफाफे में अंदर चुपचाप डाल देना है। इसमें 2 फोटो चुपचाप अंदर लिफाफे में डाल देना,
समझ गया, दो पासपोर्ट साइज फोटो चुपचाप डाल देना, समझ गया इस बात को, और सब एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग मत कर देना। चलिए भैया, सर इतना हम समझ गए, सर कौन कौन सर्टिफिकेट डालने ये बता दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप बता देना सर कि क्या है, देखो कितना उल्टा पड़ रहा है अपन, ठीक है दोस्तों। अब देखो तो अब आपको क्या क्या है जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो एक तो अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे उसकी फोटो कॉपी डालनी है इसमें, ठीक है, दिखा है ना, कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड, और सारी फोटो कॉपी में साइन कर देना। ऐसा मत करना कि एक भी फोटो कॉपी में आपके साइन ना हो, रिजेक्ट होने के बहुत सारे मौके हैं इनके पास, ठीक है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अब ये 10वीं भी हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, लगाने लगाना है, एक्स सर्विसमैन को ये देखो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना है, आधार लगाना है, अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, भैया आपके जहाँ काम करते हैं उसको दिक्कत नहीं है, आप ये आ सकते हो दे सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक और तरीका होता है सर, है ना, एक और तरीका होता है एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का, वो कौन सा सर वो बता दीजिए। देखो एक तरीका तो हो गया सर, डायरेक्ट आप ये ब्राउन फॉर्म खरीद लो, और मेरे हिसाब से ना दोस्तों यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि अपने घर में एक वाइट पेपर ले लें, है ना, हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, मान लो आपको नहीं करना, व्हाइट पेपर ले लें और जैसा मैंने लिखा ना बस ऐसा ही बना दें, आप बड़ा सा ऐसा लिफाफा बना करके अच्छे से फोल्ड करके, ठीक है, ऊपर यहां पर लिखना है आपको द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, ये बना सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, और यहां पर डैश कर दो। अब आपने जैसे एलडीसी के लिए अप्लाई किया तो एलडीसी लिख दिया, समझ गए दोस्तों। अब यहां पर लिखो फ्रॉम, और फिर अपना पूरा जैसे कि अपना नाम लिख दिया, सब लिख दिया, पूरा स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, सब करते हुए, ठीक है, पिन कोड पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और फिर कहाँ भेज रहे हो टू करके, और यहाँ पे ऐसे पार्टीशन कर दो, फिर ऐसे यहाँ पर लिख दो कि भाई कहाँ भेज रहे हो, एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड, जो एड्रेस दिया मैं बता रहा हूँ, एड्रेस कहाँ लिखा है सर, एड्रेस लिखा ये रहा, ये दिख रहा है टू, ये रहा एड्रेस, टू सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी PH&HP, जैसा लिखा वैसे छाप देना बिल्कुल, पिन कोड इतना इतना है ना, ये आपका CO 56 APO, समझ गया, इस एड्रेस पर जितना लिखा है बस इतना ही, इससे एक ऊपर मत लिखना, ऐसे कैसे छाप देना वहां पर, ठीक है। तो टू आपको मिल गया, और ये देखो साफ साफ बोला है उन्होंने, अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं घर पर तो फिर आपको ये चीज खुद से लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो लिफाफे के ऊपर ही सब लिखना है भैया। तो या तो एक काम करो कि पहले से ऐसा लिफाफा ले लो लिखा हुआ वाला, या तो आप खुद लिखना शुरू कर दो, और फिर देखो जब ये लिफाफा खुद बनाया तो अंदर वाला लिफाफा भी खुद बनाना पड़ेगा, और इसमें आपको सिर्फ अपना पूरा ऐसा नाम लिखा, सन ऑफ लिखा, फिर अपना पूरा करस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखा, फिर नीचे पिन कोड लिख के, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी पूरी लिख दी, फिर यहाँ पर ₹25 का स्टाम्प लगा दिया लेकर क्या है ना, इसको इसके अंदर डाल दिया, एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया पूरा, उसमें दो दो फोटो एक एक्नॉलेजमेंट में लगा दी, एक एप्लीकेशन फॉर्म में लगा दी, है ना, सारा कुछ फिलअप करके उसको फोल्ड करके इसमें डाल दिया, ठीक है, दो पासपोर्ट साइज भी इसमें डाल दी, है ना, आपकी सारी अटेस्टेड फोटो कॉपीज है ना, 10th की 12th की सबको फोल्ड करके इसी में डाल दिया, मतलब ये सारा कुछ आपको इसी लिफाफे में डालना है और सब कुछ स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं अपन वापस आकर के, और कहीं कोई दिक्कत रहे ना तो कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। देखो 21 दिन के अंदर भेजना, अभी मैंने आपसे कहा 14 से 20, ये हमारा क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, अभी अभी आया, तो यहाँ से भी 20 जोड़ोगे तो भी जून तक जा रहा है, ठीक है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 17 तारीख हो रही है, तो 17 तारीख हो रही है मतलब अभी तो खुला ही है, 3 दिन हुए हैं, तो लेकिन आप नहीं रुकोगे, है ना, आपको तुरंत भर देना है इसको, समझ गए इस बात को, बिल्कुल तुरंत भर देना है। सर एज क्राइटेरिया क्या है ये बता दीजिए भरने के लिए। देखो जनरल वालों के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, देखो जनरल वाले ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसके लिए बनाई गई है, जनरल वाले ही होते हैं सर। तो अंतर क्या होता है जनरल में और EWS में, देखो ये जनरल का ऐसा परिवार है जिसकी सालाना आय पूरे परिवार की 8 लाख रुपए से कम होती है, साल की आय बता रहा हूँ माह की नहीं, पूरे सालाना आय, ऐसा जनरल कैटेगरी का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उसे कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और इसी को देना पड़ता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, उस फॉर्मेट में। ओबीसी दोस्तों जहां पर भी लिखा होता है, ओबीसी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रीमिलियर, एक होते हैं नॉन क्रीमिलियर। आरक्षण जो मिलता है वो कभी भी क्रीमिलियर को नहीं मिलता, हमेशा नॉन क्रीमिलियर को मिलता है। नॉन क्रीमिलियर दोस्तों कौन होते हैं, ये ऐसा ओबीसी का परिवार होता है जिसकी अगेन पूरे परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, समझ गए। तो जिसकी सालाना आय, ऐसा ओबीसी परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उसे नॉन क्रिमिलियर कहते हैं, और जहां पर भी ओबीसी लिखा होता है ना वो एनसीएल के लिए होता है, सीएल के लिए नहीं होता। सर सीएल वाले कहां जाते हैं, क्रिमिलियर वाले ये अनरिजर्व की तरह फॉर्म भरते हैं, समझ गए। तो अब ध्यान सुनिए, जो एज लिमिट है और ये ESM दो तो क्या होता है, एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए मालूम, सेंट्रल एम्प्लॉय हो गए, ये वाले हो गए, ठीक है। अब इन सबके लिए उम्र देख लो जरा, अगर आप नॉर्मल जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले हो तो 18 मिनिमम और 25 मैक्सिमम, अगर आप ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर में आते हो तो 18 मिनिमम 28 मैक्सिमम है आपके लिए, SC ST वालों के लिए 18 मिनिमम 30 मैक्सिमम हो गया, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भैया थोड़ा सा ज्यादा छूट मिल जाएगी, है ना, मतलब हो गए भाई 35 साल तक मान लो, ठीक है। और भैया अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 40 साल तक की आपकी एज है, आप भर सकते हो उसको,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ। देखो आपका जो टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, एज देख ली, सब देख लिया, कैसे भेजना वो देख लिया, आप देखो कि टेस्ट में पढ़ना क्या है, फिर मैं बात करूंगा पोस्ट पे। ठीक है, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, एक तो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक टेस्ट होगा छोटा सा आपका, मतलब उस पेपर में क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगी, करंट अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस को करंट अफेयर कहते हैं, है ना, एक आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी और एक आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। अब इसमें देखो आप हैशटैग लगा हुआ है, ठीक है, हैशटैग ढूंढो जरा, यहाँ कहाँ लगा है, यहाँ लगा है ये रहा। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो लोग स्टेनो का पेपर देंगे, बहुत ध्यान सुनना जो बता रहा हूं मैं, किसको क्या देना है किसको नहीं देना है, किसके पेपर में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जो लोग स्टेनो ग्रेड टू का पेपर भरेंगे, मतलब जिन जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए उस पेपर में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं होगा। उनको सिर्फ तीन ही चीज देनी पड़ेगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, यहां देखा ना हैशटैग नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेनो ग्रेड टू, यानी जिन जिन लोगों ने भी स्टेनो ग्रेड टू के लिए भरा है उनको उनके पेपर में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको सिर्फ जनरल इंग्लिश देनी होगी, जनरल अवेयरनेस देना होगा और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग करंट अफेयर और इंग्लिश आएगी, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है अगर स्टेनो का भरा है तू, समझ गए दोस्तों, शाबाश। सर इसके अलावा अब देखो लाइब्रेरियन के लिए अगर भरा है, अब देखो लाइब्रेरियन के लिए अगर पेपर आया है तो लाइब्रेरियन के लिए जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो बीए के हिसाब से रहेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स के हिसाब से रहेगा लाइब्रेरियन के लिए। भाई देखो लाइब्रेरियन अगर बनना है आपको तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां देखो सर, लाइब्रेरियन अगर किसी को बनना है, लाइब्रेरियन के लिए भरना है तो उसकी तो देखो तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। देखो दो चीजें लिखी हैं यहाँ पर, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, या तो बीए करके बैठा हो बंदा, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी करके बैठा हो बंदा, या तो बैचलर कॉमर्स यानी कि बीसीए करके बैठा हो तो चल जाएगा, ठीक है, या तो फिर लाइब्रेरी साइंस से डिग्री ली हो तो भी चल जाएगा, समझ गया ना। तो आप ये सब के सब आप इसको भर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना। पोस्ट देख सकते हो, जनरल में एक ही पोस्ट खाली है यहाँ पर, ठीक है, एक ही पोस्ट है दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद देखो कि स्टेनो ग्रेड टू की, जिसके लिए सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, स्टेनो ग्रेड टू और एलडीसी दोनों के लिए 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है, और जनरल के लिए इसमें दो ही पोस्ट है, ठीक है, स्टेनो की एक पोस्ट है और एक पोस्ट एलडीसी की है। ओबीसी के लिए एलडीसी की दो पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है स्टेनो के लिए। एससी के लिए एक पोस्ट है, किसकी, एलडीसी की। एसटी के लिए भी एलडीसी की एक पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट है। टोटल वैकेंसी हो गई इतनी, समझ गया आप मेरी बात, स्टेनो की टोटल वैकेंसी दो है जिसमें से बस यही है, इन्हीं पर बट रहा है। फायरमैन की आप देखो ध्यान से जरा, जनरल के लिए दो खाली है और एक एससी के लिए खाली है, तो तीन हो गए इस तरह से, है ना। अब किसी को मैसेंजर बनना है भैया, मैसेंजर होते हैं, तो ये सात पोस्ट है दोस्तों अनरिजर्व में, भैया अपॉर्चुनिटी खोना मत। और सबके लिए देखो यहाँ पे मेल फीमेल सब भर सकते हैं, बच्चियों पीछे मत रहना, तुरंत आगे जाओ, बिल्कुल जाओ तुरंत आगे। और बार बार वॉशरमैन, ये रेंज चौकीदार हो गए और ये ड्राफ्टरी हो गए, है ना, इनकी तनख्वाह आप देख सकते हो 18 से इतनी होती है इनकी, भाई देखो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, तनख्वाह मत देखा करो, ये 10वीं चाहिए, इन सबके लिए 10वीं चाहिए, ठीक है। एसटी स्टेनो और एलडीसी के लिए 12वीं चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीए बीएससी बीसीए और लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये भर दिया भैया, ठीक है। डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें, तो उसमें परेशान मत होना। और यहाँ पर दिख रहा है आपको कि बार बार के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं जनरल के लिए, लेकिन ओबीसी के लिए एक खाली है, ठीक है। वॉशरमैन के लिए आप दिख रहा होगा एक पोस्ट खाली जनरल में, और चौकीदार के लिए भी एक पोस्ट खाली जनरल में, ड्राफ्टर के लिए भी एक पोस्ट खाली जनरल में और एक पोस्ट खाली एसटी के लिए, इस तरह से होगी दो पोस्ट, समझ गए दोस्तों। तो पोस्ट हो गई सामने आपके रखी हुई है जो आपने देख लिया है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, है ना। तो यही सब आपको पूरा करके भेज देना। अब देखो यहाँ मैं पढ़ रहा था आपसे, तो मैंने कहा ना देखो स्टेनो भर को छोड़ दो, बाकी अब कोई भी कोई पेपर देगा, है ना। अब इनके लेवल कैसे रहेंगे, तो लाइब्रेरियन का आपने देखा ना ग्रेजुएशन है, तो मतलब उसमें बीए बीएससी इनके लेवल के थोड़े से बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। एलडीसी और स्टेनो 12वीं मांगा गया है, तो 12वीं लेवल के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आप फायरमैन मैसेंजर इनके लिए पढ़ना चाह रहे हो, इनके लिए भरा है, तो भैया 10वीं लेवल पर क्वेश्चन आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप जो भी पेपर देने जा रहे हो, आपको कुछ भी टीएडीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस या डीएनएस अलाउंस नहीं दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी गलत जानकारी इसमें मत देना, कैनवासिंग मत करना, समझ गए दोस्तों। मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, है ना। इनकेस आपको कोई कमी इसमें लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताना। अगर बहुत इन्फॉर्मेटिव था तो दोस्तों आपको मुझसे जुड़ना, क्योंकि देखो इसका एडमिट कार्ड जब भी आएगा मैं ही होऊंगा वो पहला आदमी जो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आप मुझ पर बिल्कुल यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। आपको जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, देखो इसको चैनल नहीं बोलता हूं, इसको मैं अभियान बोलता हूं, क्योंकि मैं अभियान पर जिस पर निकला हूं ना, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, आपको क्या लगता है इतना मैंने समझ के कैसे बैठा, मैंने बहुत स्टडी करी अच्छे से, एक चीज मुझे मालूम है आपके क्या क्या डाउट हो सकते थे, मैंने सब कुछ समझा और तब जाके ये वीडियो बनाया ताकि आपकी पूरी मदद हो सके दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं आप दिल से नौकरी करो। देखो यहां अनएम्प्लॉयमेंट से मैं भारत की बहुत परेशान हूं, है ना भैया, भैया अपना अरे एक बच्चा बिल्कुल लग जाए नौकरी पे, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, आप मुझे कुछ नहीं दोगे मेरे भाइयों बहनों, आप सिर्फ अपने लिए करोगे, लेकिन मुझे खुशी मिल जाएगी कि मेरे द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई और ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लगी और आप सच में देखो आपका एडमिट कार्ड आया, आप सफल हुए, सब आप कर पाए, तो इस चीज की जो फील जो मुझे मिलेगी ना वो सच में अलग होगी। बस आपको इतना करना, मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना कि सर
आपने जो जानकारी दी थी उसका फायदा हमने उठाया, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमने उठाया और हम आगे बढ़े सर, हम आगे बढ़े सर। और सच में सर ये अभियान के साथ हम जुड़े हुए हैं, और दोस्तों बिल्कुल वायरल कर दो, बिल्कुल वायरल कर दो, कुछ नहीं तो अपने इस दोस्त के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। वायरल मेरे लिए नहीं होगा, वायरल होगा हमारे हर एक भाई बहन के लिए जो बेचारा इसके लिए तड़प रहा है, जो समझना चाहता है। कई लोग इसको भरना नहीं चाहते, कई लोग ऑफलाइन फॉर्म समझना चाहते होंगे कैसे भरते हैं, तो मैंने इसमें ऑफलाइन फॉर्म को बहुत अच्छे समझाया है, तो इसलिए भी इसे वायरल करो, इसलिए भी इसको जाने दो। ठीक है दोस्तों, बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है, मेरी पूरी आशा पूरी उम्मीद, और अगर आशीर्वाद दे सकता हूँ तो वो भी है आपके साथ, आप सफल बने अपने जीवन में और मुझे ज़रूर बताएं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसी सारी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप बस कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें आपको किसी की ज़रूरत है, आपका ये दोस्त, आपका ये होस्ट, आपका भाई बिल्कुल मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।